epistaxis and common cold apna topic definition of epistaxis अगर एपिस्टेक्सिस की बात करें जो नोज जो अपना नोज होता है उसकी उसमें ब्लीडिंग होने लग जाती है जैसे कि पहली लाइन में ही लिखा है अपने ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज दैट इज कॉल्ड एपिस्टेक्सिस इसका सीधा सा मीन यही होता है कि जो नोज वाला एरिया है अपना उसके सेप्टम वाले पार्ट में अपने ब्लड सप्लाई होती है अगर वो ब्लड सप्लाई किसी ने मुक्का मारा ब्लंट मारा या एक्सीडेंट हो गया ट्रॉमा हो गया उसके कारण अगर वो रप्चर हो गई ब्लड वेसल्स उसकी वजह से जो ब्लीडिंग होगी उसे बोलते हैं अपन सीधी सी भाषा में एपिस्टेक्सिस मोस्ट कॉमन साइट अपनी जो एपिस्टेक्सिस की है वो एंटीरियर सेप्टम वाला एरिया कौन सा होता है नोज के जो दोनों छेद होते हैं दोनों छेद के जो बीच वाला एरिया होता है जैसे कि ऑलगाइज ये जैसे ये वाला नोज का एरिया है ये वाला भी नोज का एरिया है और ये बीच में जो सेप्टम है वहां पे होती है जो ब्लड सप्लाई अगर वो किसी कारण से अल्टर्ड हो गई है तो उस कारण भी ये ब्लीडिंग कॉज कर सकता है और इसी एपिस्टेक्सिस को नोज ब्लीड भी कहते हैं दूसरा नाम अपना इस एपिस्टेक्सिस का क्या नाम है नोज ब्लीड आपके जीएनएम बेस पे बहुत बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट डिजीज है एपिस्टेक्सिस इसका एक नंबर से लेकर पांच नंबर तक का क्वेश्चन बनता ही बनता है अगर एपिस्टेक्सिस के कॉजेज और रिस्क फैक्टर एक ही चीज है कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर इसके सबसे मोस्ट कॉमन अगर कॉज की बात करें अपन एपिस्टेक्सिस के तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी होते हैं उसमें भी ये काम आता है पहला है राइनाइटिस सबसे वेरी 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 इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम में पूछते हैं सीएचओ लेवल का हो कोई सा भी एग्जाम हो सब में पूछते हैं मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एपिस्टेक्सिस पूछा ही जाता है सेकंड नंबर पे है इसका कॉजेज ट्रॉमा या ब्लंट यानी मुक्का मारना होता है थर्ड नंबर पे आता है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस यानी आर्टरी का सकड़ा हो जाना जैसे ये आपकी आर्टरी है मैक्सिलरी आर्टरी है मान लो अगर इस आर्टरी में ऐसे कोई क्लॉट जम गया या कुछ भी रक्त का थक्का जम गया या ये सकड़ी हो गई स्क्लेरोसिस आ गया तो उसकी वजह से भी ये ब्लीडिंग कॉज कर सकता है क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा उसकी वजह से ब्लीडिंग कॉज कर सकता है फोर्थ नंबर पे अगर अपन बात करें कॉजेज की तो हाइपरटेंशन नॉर्मल अगर अपन ब्लड प्रेशर की बात करें तो नॉर्मल होता है 120/80 mmHg अगर ये जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है अगर वो बढ़ गया नॉर्मल से ज्यादा हो गया उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन हाइपर यानी ज्यादा होना और हाइपोटेंशन किसे बोलते हैं 120/80 से भी कम हो जाना ब्लड प्रेशर ये होता है 120 आपका सिस्टोलिक और 80 होता है डायस्टोलिक और इन दोनों के बीच का जो गैप होता है उसको बोलते हैं पल्स प्रेशर पीपी फिफ्थ नंबर पे अगर अपन बात करें तो एस्प्रिन जो ड्रग है वो अपने मायोकार्डियल जो इन्फेक्शन होता है उसकी ड्रग ऑफ चॉइस है एमआई की ड्रग ऑफ चॉइस अगर किसी को बोलते हैं तो वो है एस्पिरिन से क्या होगा ब्लड पतला होगा और ब्लीडिंग कॉज कर सकता है फिर आता है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का मतलब होता है थ्रोम्बस जो बनने की जो प्रोसेस है वो कम हो जाना मतलब डोंट फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट नहीं बन पाता है उसकी वजह से भी ये एपिस्टेक्सिस कॉज कर सकता है फिर आगे अगर अपन बात करें तो कंजेनाइटल डिजीज जो कि जन्मजात होती है उसे बोलते हैं कंजेनाइटल डिजीज ये भी एपिस्टेक्सिस कॉज कर सकती है आगे अगर अपन बात करें ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन नोज के अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है सेप्टम वाली उसको बोलते हैं उसका ड्राइनेस हो जाना मतलब सूखापन
फिर आता है साइनोसाइटिस, यानी साइनस साइनस जो होते हैं उनका इंफ्लामेशन होना साइनोसाइटिस कहलाता है। तो गाइज इस क्लास को जल्दी से लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। अगर आगे अपन बात करें मेडिकल मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट की अगर अपन बात करें तो एपिस्टेक्सिस का एक ही मैनेजमेंट है कि जहां पे भी ब्लीडिंग हो रही है, एपिस्टेक्सिस में नोज पर ब्लीडिंग हो रही है तो पिंच द नोज, नोज को पिंच करना मतलब दबाना, पुट डायरेक्ट प्रेशर, प्रेशर अप्लाई करना ऑन एंटीरियर पार्ट ऑफ द नोज, एंड नोज का जो एंटीरियर पार्ट है उस पर प्रेशर अप्लाई करना विद इन कितने मिनट तक करना, 5 से लेकर 10 मिनट तक। ये अपनी नर्सिंग की फर्स्ट एक्शन या प्रायोरिटी के हिसाब से बोला तो नर्सिंग का फर्स्ट जो प्रायोरिटी के हिसाब से जो होगी इसका मैनेजमेंट होगा वो फर्स्ट एक्शन में ही आएगा। सेकंड पे है अगर अपन बात करें तो गिव क्लाइंट सिटिंग पोजीशन, सिटिंग पोजीशन क्यों देंगे, सिटिंग पोजीशन में भी कौन से देंगे, अपवार्ड एंड डाउनवार्ड मतलब आगे की तरफ झुका हुआ, ताकि अगर मान लो ब्लीडिंग हो रही है पेशेंट को और अपन ने सिटिंग ना देके सुपाइन दे दी तो वो जो ब्लड आ रहा है बाहर निकल रहा है वो अंदर एस्पायरेट कर जाएगा और लंग्स में जाके निमोनिया कोच कर सकता है। फिर अगर आगे अपन बात करें गिव क्लाइंट कोल्ड एप्लीकेशन, कोल्ड एप्लीकेशन प्रोवाइड करना ताकि ब्लड सप्लाई वहाँ पे कम हो सके और क्लॉट बन सके। गिव क्लाइंट नेजल डिकंजेस्टेंट, जो नेजल स्प्रे होता है वो प्रोवाइड करना पेशेंट को। ये आपका मैनेजमेंट एपिस्टेक्सिस का। अगर सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें तो जो आपका नोज है वहां पे एक तो मैक्सिलरी आर्टरी होती है, इंटरनल मैक्सिलरी आर्टरी और एंटीरियर इथेमोइडल आर्टरी, दो जो आर्टरी होती है उन्हीं से सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई होती है और उन्हीं की वजह से एपिस्टेक्सिस कॉज कर सकता है। तो उनका सर्जिकल मैनेजमेंट में अपन क्या करेंगे, लाइगेशन कर देंगे। लाइगेशन का मतलब होता है बांधना। ये दोनों आर्टरी है, मान लो यहाँ से रप्चर हो गई तो यहाँ से अपन इसको बांध देंगे। लाइगेशन का मतलब हुआ बांधना। ये आपकी एपिस्टेक्सिस डिजीज कंप्लीट है। इसका नर्सिंग मैनेजमेंट, मॉनिटर वाइटल साइन, पेशेंट के वाइटल साइन मॉनिटर करना। जो नॉर्मल नर्सिंग मैनेजमेंट है वो तो आपको लिखना ही है, इसके साथ में अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है तो ये इनको प्रायोरिटी देनी है। जो ये नर्सिंग मैनेजमेंट आपको दिख रहे हैं जो भी 5-7 है जो भी है, पहले वाइटल साइन मॉनिटर करना है, फिर ABC रूल फॉलो करना है। ABC का मतलब एयर वे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन। सर्कुलेशन मतलब वही कंट्रोल ब्लीडिंग, तो एंड असिस्ट इन कंट्रोल ब्लीडिंग, ब्लीडिंग को असिस्ट करना और उसको कंट्रोल करना। फिर दूसरा अगर नर्सिंग मैनेजमेंट अपन बात करें तो इंस्ट्रक्ट क्लाइंट हाउ टू अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर, वही बात है पहले वाली, डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करना नोज पर विद थंब, थंब यानी अंगूठे से और इंडेक्स फिंगर, और 15 मिनट तक ये नोज के ऊपर ये प्रेशर अप्लाई करना। ड्यूरिंग नेजल पैकिंग यूज नियोस्पोरिन, नियोस्पोरिन एक ड्रग का नाम है। जब भी नेजल पैकिंग करेंगे अपन तो नियोस्पोरिन एक ड्रग है उसका यूज करेंगे, टॉपिकल ड्रग है इसका यूज करेंगे, जैसे आपका ऑइंटमेंट वगैरह ये आता है। प्रोवाइड ह्यूमिडिफिकेशन, ह्यूमिडिफिकेशन क्यों करेंगे, कि पहले आपको बताया मैंने ड्राइनेस की वजह से एपिस्टेक्सिस कॉज कर सकता है, तो ड्राइनेस सूखापन और ह्यूमिडिफिकेशन यानी नम बनाना, यानी ह्यूमिडिफिकेशन टू प्रिवेंट ड्राइंग ऑफ नेजल पैसेज, जो नेजल जो निकल रहा है ब्लीडिंग निकल रहा है उसको क्योर करने के लिए। और अंतिम में जो अपन सब लिखते हैं कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना पेशेंट को, एंग्जाइटी को रिमूव करना, तो उसी लैंग्वेज को मैंने थोड़ा बदल के लिखा है कि रीएश्योर क्लाइंट इन काल्म, मतलब रीएश्योर मतलब आश्वस्त करना पेशेंट को कि आप ठीक हो जाओगे, आपको कुछ नहीं होगा, और काम यानी शांत करना पेशेंट को। हेलो गाइस, अब अपन अगली डिजीज की बात करें तो
अगली डिजिट का नाम है राइनाइटिस। राइनाइटिस को दूसरा जो सिंपल वर्ड है उसमें अपन बोलते हैं कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड क्या होता है? सिंपल वर्ड जो अपन सर्दी जुखाम के लिए यूज करते हैं नॉर्मली गाँव में, उसी को एक मेडिकल टर्म में उसमें बोलते हैं राइनाइटिस। राइनाइटिस डिजीज हम शुरू करने जा रहे हैं। इसमें है आपकी डेफिनेशन। डेफिनेशन की अगर अपन बात करें तो इंफ्लेमेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन का इंफ्लेमेशन होना, कौन सी म्यूकस मेम्ब्रेन है? नोज की। नोज की म्यूकस मेम्ब्रेन में इंफ्लेमेशन होना या म्यूकस मेम्ब्रेन का इंफ्लेम्ड होना क्या कहलाता है? आपका राइनाइटिस। दूसरा है इट इज मेनली कॉज्ड बाय। किसकी वजह से होता है ये? मेनली वायरल इन्फेक्शन। बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं, उसमें से वायरल इन्फेक्शन, वायरल होता है, बैक्टीरियल होता है, फंगस होता है, प्रोटोजोआ, सारे कुछ होते हैं, लेकिन उसमें से जो मेनली जो ये कॉज करता है वो वायरल इन्फेक्शन की वजह से ये अपना राइनाइटिस कॉज करता है। आज दोनों डिजीज मैंने शुरू की है, एक था एपिस्टेक्सिस, दूसरा था राइनाइटिस। दोनों ही सिंपल डिजीज है, इतना कोई घबराने की बात नहीं है। आगे भयंकर भयंकर डिजीज आने वाली है। इसी का जो पॉइंट मैंने शो किया है कैरेक्टराइज, जो राइनाइटिस है वो कैरेक्टराइज मतलब किन किन कारणों की वजह से हो सकता है, जैसे नेजल कंजेशन, नेजल में कोई ब्लॉक हो गया है, स्नीजिंग यानी बार बार छींकें आ रही है, सोर थ्रोट हो गया है, बर्निंग सेंसेशन हो गया है, पेशेंट को अगर जलन हो रही है नाक में उसकी वजह से भी कॉमन कोल्ड कॉज कर सकता है। मोस्ट कॉमन कॉज्ड बाय राइनो वायरस। राइनो जो वायरस है आपका, राइनो वायरस नाम है, उसकी वजह से मोस्ट कॉमन कोल्ड होता है या राइनाइटिस आपका कॉज कर सकता है। सिंपल है, राइनाइटिस राइनो वायरस, राइनो से राइनाइटिस सेम, याद रखने का तरीका है राइनो से लेकर राइनाइटिस याद रख लेना। कॉजेज की बात करें भी वही राइनो वायरस है, तो पहला कॉज राइनो वायरस, मोस्ट कॉमन कॉज है एंटेरोवायरस, एडिनो वायरस और कोरोना वायरस। कोरोना वायरस जो अभी फिलहाल आपके चल रहा था, फोर्थ लेयर भी आने वाली है। साइन सिम्टम, अगर साइन सिम्टम की अगर अपन बात करें या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन भी बोलते हैं साइन सिम्टम को, वाटरी डिस्चार्ज फ्रॉम नोज, कभी कभी बोलते हैं नाक से पानी आ रहा है, एक तो ये अपन को साइन देखने को मिलेगा। स्नीजिंग, ये देखो वेरी इंपॉर्टेंट है स्नीजिंग, ये आपको लिखना ही है किसी भी हालत में आ जाए तो। हेडेक हो गई, रेडनेस हो पाई, आंखें लाल हो जाएगी, बार बार छींक आएगी, बार बार नाक से पानी आएगा, सोर थ्रोट, गले में खराश होगी, नेजल कंजेशन, नोज ब्लॉक हो जाएंगे, म्यूकस आ जाएगा वहाँ पे, रेस्टलेसनेस मतलब बेचैनी होगी पेशेंट को, स्वेलिंग इन म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज। म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें स्वेलिंग आ जाएगी नोज की। डिस्निया मतलब सांस लेने में तकलीफ होगी और हाथ पैर दर्द करेंगे मतलब जॉइंट पेन होगा पेशेंट को। ये सारे क्लिनिकल फीचर्स है आपके, उनमें से आपको ये रेड वाले तो याद करने ही है, स्नीजिंग है, सोर थ्रोट है, नेजल कंजेशन है, स्वेलिंग इन म्यूकस, स्वेलिंग ही याद कर लेना, ये काफी है आपके लिए। मैनेजमेंट की अगर अपन बात करें तो सिंपल सा मैनेजमेंट है कॉमन कोल्ड का। पहले देना है एंटीपायरेटिक ड्रग, एंटीपायरेटिक ड्रग के अंदर आती है पीसीएम यानी पैरासीटामोल, फिर एंटी कोल्ड के अंदर वही लेवोसिट्रिजिन वाली, एंटीबायोटिक में एक सेफिक्सिम दे सकते हैं अपन, एंटीबायोटिक में एजिथ्रोमाइसिन भी दे सकते हैं अपन, स्लाइन नेजल ड्रॉप। स्लाइन से अपन को याद रखना है इसमें कंटेंट कौन सा आता है, NS नॉर्मल स्लाइन। NS जो यूज करते हैं वो इस ड्रॉप में यूज करते हैं, गवर्नमेंट सप्लाई में भी आती है ये ड्रग। और अगर एक और ड्रग है एनाल्जेसिक में है आइबुप्रोफेन भी यूज कर सकते हैं, और यानी नेजल डिकंजेशन भी प्रोवाइड करना पेशेंट को। ये अपना कॉमन कोल्ड का मैनेजमेंट, और आपकी क्लास यहीं पे फिनिश। थैंक यू ऑल ऑफ यू। क्लास अच्छी लगे तो शेयर।